हेलो गाइस, चलिए बनाते हैं सूजी का नाश्ता। सूजी का नाश्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले सूजी ले लेना है। सूजी में दही ले डाल देना है और सभी को मिला देना है। मिलाने के बाद थोड़ा पानी डाल देना है, फिर सबको मिलाकर थोड़ी देर के ढककर रख देना है। थोड़ी देर बाद हम इसे खोल कर देखते हैं तो सूजी हमारी अच्छी तरीके से हो गई है। उसमें हम शिमला मिर्च और प्याज डाल देते हैं। अगर आपके पास और भी सब्जियाँ हो तो ऐड कर सकते हैं। सभी को मिलाने के बाद हम इधर पैन चढ़ा दिए हैं। पैन चढ़ाने के बाद उसमें राई, जीरा, हींग डाल दिए, अदरक और मिर्च डाल दिया। सभी को अच्छे तरीके से मिला देना है। फिर हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सांभर मसाला डाल देना है। आलू डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर देना है। नमक डाल देना है और नींबू का रस डाल देना है। द इडली का साँचा ले लिया, उसमें तेल लगा लिया और सूजी में नमक डाल के सभी को अच्छे तरीके से मिला दिया। सूजी हमें ठीक लग रही थी, पानी डाल दिया थोड़ी सी। फिर हम इसमें इनो डाल देंगे। इनो डाल के थोड़ी देर मिलाकर इडली के साँचे में हम सूजी को डाल देंगे। ऊपर से मसाला रख देंगे, फिर सूजी डाल देंगे। फिर ढककर हमें इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट बाद देखिए हमारी एकदम बनकर इडली तैयार हो गई है। हम इडली को दो तरीके से बनाएंगे, एक सादा इडली बनाएंगे, एक इडली में तड़का देंगे। चलिए अब तड़का तैयार कर लेते हैं। इधर पैन चढ़ा दिया है, पैन में हमने मिर्च डाल दिया है, हींग, जीरा और राई डाल दिया है, सांभर मसाला डाल दिया है। और देखिए इधर हमारा इडली बनकर तैयार हो गया है, एक सादा इडली और एक तड़का वाली इडली। आप इसे इंजॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।